द यूज ऑफ ए एन द, ए एन द इसे हम आर्टिकल्स कहते हैं। आर्टिकल क्या होता है मन में बात आती होगी, तो जैसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं नाउन से लेकर के और इंटरजेक्शन तक, कुछ विद्वानों ने आर्टिकल को भी एक नौवां पार्ट्स ऑफ स्पीच माना है। यानी उनके अनुसार नौ पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। जब हम किसी रैंक की किताब देखेंगे तो उसमें ऐसा वर्ण आएगा, परंतु कुछ विद्वान इसको एक नया टॉपिक ऐसा आर्टिकल्स बताते हैं, ए एंड द। अब हमारे सामने प्रश्न आता है कि ए और एन का प्रयोग कहाँ करते हैं। हम जानते हैं ए माने एक होता है और एन माने भी एक होता है, जिसे हम इस तरह से लिख सकते हैं एक। तो छोटी कक्षा से यानी शुरू से ही बचपन से ही बताया गया होगा कि ए और एन का प्रयोग जब हम करते हैं तो जो वावेल की साउंड होती है ए ई आई, ए ई आई ओ यू, जिनको हम वावेल्स कहते हैं, इनके पहले एन लगाते हैं। इनके पहले हम क्या लगाते हैं, एन, जो वावेल की ध्वनि देते हैं। और जो कॉन्सोनेंट की ध्वनि देते हैं, व्यंजन की ध्वनि देते हैं, उनके पहले हम ए लगाते हैं। यानी व्यंजन कॉन्सोनेंट जिसे कहते हैं कॉन्सोनेंट्स के पहले हम ए लगाते हैं और इसके पहले आई लगाते हैं। लेकिन यहां हमको समझना है, अभी हम आपको एक वर्ड लिख रहे हैं यू एन आई वी ई आर एस आई टी वाई, यूनिवर्सिटी। अब आपकी एग्जाम में आ गया कि यूनिवर्सिटी के पहले आपको आर्टिकल लगाना है। हमें बताया गया कि ए ई आई ओ यू के पहले आयन लगता है, तो उस हिसाब से आयन लगना चाहिए, परंतु एन नहीं लगेगा, ए लगेगा। क्यों लगेगा ए? अब यहां बहुत सरल भाषा में समझना है कि हिंदी में क से ज्ञा तक की साउंड, क से ज्ञा तक की साउंड देने वाले जो अक्षर हैं, शब्द हैं, क घ ग से लेकर के ज्ञा तक, उनके पहले हम ए लगाएंगे। जैसे यूनिवर्सिटी, यहां यू जरूर है लेकिन इसको जब हिंदी में हम लिखेंगे तो वो या लिखते हैं, और या जो है वो का से ज्ञा के बीच में आता है, इसलिए हम यहां ए लगाएंगे। ऐसे एक शब्द और हम दे रहे हैं एच, ये एन का आएगा। अब हम दे रहे हैं यू एम बी आर ई डबल एल ए, अम्ब्रेला। अब अम्ब्रेला में भी यू है लेकिन यहां इसके पहले आयन लगेगा। अब आपने देखा यहां यू जरूर है लेकिन इसका जो उच्चारण है वो आ है, इसलिए आयन का प्रयोग जो होगा वो आ से आह तक, आ से आह तक की साउंड। ये बहुत सरल हो गया अब आपके लिए कि का से ज्ञा तक की ध्वनि देने वाले जो शब्द हैं उनके पहले हम ए लगाएंगे, लेकिन आ से आ तक की जो ध्वनि देने वाले शब्द हैं उनके पहले आयन लगाएंगे। अब हम कुछ और शब्द लिख रहे हैं क्लियर करने के लिए। एप्पल, आई, यूनिट, ईयर, ये कुछ शब्द दिए गए हैं, इनके पहले हमको आर्टिकल लगाना है। अब आपको पता है कि ये साउंड ए, इसको हम जब लिखते हैं तो एप्पल लिखते हैं।
अभी बताया गया, तो इसके पहले लगेगा आयन लगेगा, ये आई है, ई है, और इसकी भी ध्वनि जो है वो आ से आता है, इसलिए यहां क्या लगेगा, आयन लगेगा। ये यूनिट है, यू है, लेकिन इसकी ध्वनि जो है वो या है, यूनिट। ये का से क्या के बीच में आ रहा है ना, तो यहां लगेगा क्या लगेगा, ए लगेगा। ये ईयर है, ईयर को हिंदी में ई से शुरू करेंगे, तो ये आ से आह के बीच में आएगा, इसलिए यहां आयन लगेगा। एक ये शब्द है, इसको बहुत समझना है, बड़े बड़े लोग चूक जाते हैं। ईयर, इसका जो उच्चारण है, इसका उच्चारण ये लिखा जाता है ईयर, ये या पर बड़ी की मात्रा, ईयर माने वर्ष। अब जब आपके ध्यान में आ गया होगा, अब बिना पूछे आप बता सकते हैं कि यहां क्या लगेगा जी, आयन नहीं लगेगा। ये देखिए, ये का से क्या के बीच में आ रहा है, भूल गए ना, ये का से क्या के बीच में आ रहा है, इसलिए क्या लगेगा, ए लगेगा। क्लियर, यानी हमको यही समझना है कि का से ज्ञा तक के बीच के जो उच्चारण है, ध्वनि देने वाले शब्द हैं, उनके पहले ए, और आ से अह तक की ध्वनि देने वाले के पहले एन। अब प्रश्न आता है दा का। ये हमारे मन में एक बात आती है कि दा को कुछ लोग ऐसे दा पढ़ते हैं और कुछ लोग दी पढ़ते हैं, कहते हैं भाई तुम दा पढ़ रहे हो तो तुम्हारा गलत हो गया, ये दी पढ़ रहे हैं तो इनका सही हो गया, ये कंफ्यूजन रहता है। तो कहां दा पढ़ेंगे, कहां दी पढ़ेंगे, ये भी कंसेप्ट हमारे क्लियर हो जाए। जैसे हमने लिखा द एपल, द बिग एपल। अब आप देख रहे हैं यहां एप्पल है, ये एप्पल चूंकि आ से आ के बीच में शुरू हो रहा है, और ये जो है, अब इससे हमसे मतलब नहीं है, हमको इस शब्द से मतलब है कि बिग के पहले दा लगा हुआ है, ठीक है ना। तो इसलिए ये कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए अपने को कि जब हम दा और दी, जैसे जब ये बिग एप्पल है, बिग यानी जब वावेल्स के शब्द के बीच में कोई दूसरा शब्द होता है तो हम उसको दा पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, दा पढ़ते हैं, और अगर सीधे है तो इसको दी पढ़ेंगे, ध्यान में आ गया। अब दी एप्पल क्या पढ़ेंगे, दी एप्पल, और यहां पढ़ेंगे द बिग एप्पल, क्लियर हो गया। यानी अगर शब्द जैसे ऑरेंज, ओ आर ए एन जी ई, अब यहां दा लिखा हुआ है, ठीक है ना, और एक जगह लिखा है द रेड ऑरेंज, देख रहे हैं। तो अब आप बताइए इसको क्या पढ़ेंगे, दी ऑरेंज, दी पढ़ेंगे ना, वेरी गुड, बैठिए, और इसको क्या पढ़ेंगे, द पढ़ेंगे, वेरी गुड, क्लियर हो गया। यानी सीधे अगर शब्द है और वावेल की साउंड दे रहा है, वावेल की साउंड दे रहा है, ध्यान रखना एप्पल ए जो है वावेल है ना, और ऑरेंज भी को वो भी क्या है, वावेल है। तो अगर वावेल की ध्वनि देने वाले शब्द के ठीक पहले दा लिखा हुआ है टी एच ई, तो उसे हम पढ़ेंगे दी। लेकिन अगर उन शब्दों के पहले कोई एडजेक्टिव आ गया, कोई एडवर्ब आ गया, कुछ भी आ गया, तो हम उसको क्या पढ़ेंगे, क्लियर, अभी ये आपको हमने बताया कि दा और दी का उच्चारण। अब समझना है कि दा का प्रयोग कहां करेंगे, ए और एन का तो प्रयोग आपको ध्यान में आ गया कि का से ज्ञा तक की धुन देने वाले शब्दों के पहले ए, आ से अह तक की धुन देने वाले शब्दों के पहले एन, लेकिन अब दा का प्रयोग कहां करेंगे। अब देखिए एक वाक्य हम लिख रहे हैं, आई शाय मैन। अब द जो है वो स्पेसिफिक थिंग के पहले लगता है,
है और एन, ए और एन ये आम आम वस्तु के लिए, आम आदमी के लिए लगता है। ये हम लिख करके समझ सकते हैं, ए और एन का प्रयोग जो है ये आम, आम माने जानते होंगे, आम वस्तु व्यक्ति कोई जिसे कहते हैं। हमने कहा गो एंड कॉल ए टैक्सी, गो एंड कॉल ए स्टूडेंट फ्रॉम क्लास सिक्स, गो एंड कॉल ए स्टूडेंट, गो एंड कॉल ए स्टूडेंट फ्रॉम नाइन्थ मीन्स जाओ और कक्षा नौ से कोई विद्यार्थी बुला लाओ, कोई बालक बुला लाओ। तो ए माने क्या हुआ, ए और एन माने कोई, आम, आई सॉ ए डॉक्टर, देयर आर सो मेनी डॉक्टर्स बट आई सॉ ए डॉक्टर, किसी भी डॉक्टर को मैंने देखा। तो ए और एन जो है ये आम वस्तु अथवा व्यक्ति के लिए होता है, लेकिन जो द का प्रयोग होगा वो विशेष के लिए, विशेष विशेष जिसे हम कहते हैं खास, खास व्यक्ति और वस्तु। स्थान भी हो सकता है कि पहले हम जो है वो द लगाते हैं आगे। अब अभी ये जो हमने सेंटेंस लिखा है इसको ध्यान से देखेंगे, यहां हमने लिखा आई सॉ ए मैन, इसका अर्थ हुआ मैंने एक आदमी देखा या मैंने कोई आदमी देखा। अब इसी का प्रयोग आगे दूसरा सेंटेंस हम इसी से मिलता जुलता इसी को आगे बढ़ा रहे हैं, हमने लिख दिया द मैन वाज रीडिंग न्यूज पेपर। आई सॉ ए मैन, मैंने एक आदमी देखा, आम आदमी था वो। अब ये खास हो गया, वही आदमी क्या हो गया, खास हो गया। वो आदमी क्या कर रहा है, न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, यानी है तो कई लोग लेकिन जिस आदमी को मैंने देखा वो आदमी न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। तो यहां ये आदमी आम आदमी हुआ, क्या हुआ, और यहां क्या हो गया, ये खास आदमी हो गया। क्लियर हो गया, यानी ए और एन जब लगेगा तो आम होगा, द लगेगा तो खास होगा। एक और उदाहरण से हम क्लियर कर सकते हैं, आई ईट ए मैंगो, आई ईट ए मैंगो, ए एक कोई, मैं कोई आम खाता हूं, ठीक है ना, यानी यहां जो है वो कोई खास आम नहीं है, कोई आम। लेकिन अब इसी को आगे हम बढ़ाएंगे तो लिखेंगे द मैंगो आई ईट यस्टरडे, यस्टरडे वाज वेरी सावर, सावर मीन्स खट्टा। अब देखिए द मैंगो I ate yesterday was very sour. अब ये द मैंगो, ये इस मैंगो, यही ये मैंगो है, यहां ये मैंगो आम था लेकिन अब ये मैंगो क्या हो गया, खास, यानी जो आम हमने खाया मेरे सामने 8-10 आम रखे हुए थे, मेरे सामने 8-10 आम रखे हुए थे, उसमें से मैंने एक आम खाया, एक आम, लेकिन वो आम क्या था, खट्टा था। तो ये क्या हो गया, विशेष हो गया। अब अभी तक ये आम विशेष नहीं था लेकिन जब यहां यूज हुआ तो विशेष हो गया। फिर वही बात कि आम व्यक्ति, आम वस्तु, आम स्थान के पहले ए और एन और खास के पहले सा। अंग्रेजी में हम इसको समझ सकते हैं कि फॉर स्पेसिफिक, S P E C I F I C, specific person, things, we use the, what, the,
इन पर्सन अथवा थिंग्स के लिए हम द का प्रयोग करेंगे और फॉर तो हम बता रहे थे सो फॉर स्पेसिफिक थिंग्स वी यूज द एंड फॉर नॉन स्पेसिफिक specific फॉर नॉन स्पेसिफिक पर्सन थिंग्स वी यूज ई एंड, यानी जो खास है विशेष है उसके पहले दा का प्रयोग करेंगे और जो आम है नॉन स्पेसिफिक आम क्लियर हो गया होगा, आम के पहले ए एन और खास के पहले डी का प्रयोग। अब एक चीज और समझना है हमको, ये जो आर्टिकल है ए एन द इसका प्रयोग हम नाउन के पहले करते हैं, नाउन के पहले इनका जो प्रयोग होता है केवल नाउन्स के पहले होता है ए एन और द। अब हम देखेंगे कि ए और एन इसकी हिंदी एक होती है और हमने उस दिन आपको सिंगुलर प्लूरल पढ़ाया था तो एक जो है वो सिंगुलर कहते हैं, एक वस्तु होगा एक व्यक्ति होगा तो उसको कहते हैं सिंगुलर, यानी ए और एन का प्रयोग सिंगुलर नाउन के पहले होगा, सिंगुलर सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन के पहले ए और एन का प्रयोग होता है, इसे हम कहते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल आई एन डी ई एफ आई एन आई टी ई इनडेफिनिट आर्टिकल ए आर टी आई सी एल ई इनडेफिनिट आर्टिकल्स। क्लियर हो गया, ए और एन को हम क्या कहते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल, और क्योंकि कहीं ए लगता है कहीं एन लगता है, इनडेफिनिट माने होता है अनिश्चित, क्या होता है अनिश्चित, इसीलिए इसका नाम दिया गया इनडेफिनिट। हम इनडेफिनिट टेंस भी पढ़ते हैं वो भी अनिश्चित रहता है, वो पढ़ता है अब पता ही नहीं कि कब से पढ़ रहा है क्या पढ़ता है कब तक पढ़ेगा कुछ पता ही नहीं है, क्यों न कोई टाइमिंग तो रहती नहीं उसमें, तो सब एवरीथिंग इज अनसर्टेन देयर। वैसे यहां भी जो है ये ए और एन ये इनडेफिनिट आर्टिकल है और इसका प्रयोग सिंगुलर नाउन के पहले होता है। अब इधर हम देख लें द का प्रयोग जो है ये इसको कहते हैं डेफिनिट आर्टिकल, क्या कहते हैं इसको, और इसका प्रयोग जो है वो सिंगुलर सिंगुलर और प्लूरल PLU RAL सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ होगा। यहां समझने की बात है ये कि जो द का प्रयोग है ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों के पहले आएगा, लेकिन ए और एन जो है वो केवल सिंगुलर के पहले आएगा और इसको नाम देते हैं डेफिनिट डी ई एफ आई एन आई टी ई डेफिनिट आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल्स। क्लियर हो गया, दा जो है ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों के पहले आएगा इसे डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं, ए और एन ये सिंगुलर के पहले आएगा केवल और इसे हम इनडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। अब एक चीज और यही समझना है कि ए और एन ये केवल काउंटेबल नाउन के पहले आएगा, जिसको हम गिनते हैं ए का काउंटेबल नाउन COUNTABLE countable noun के पहले, और ये जो आएगा ये countable और uncountable दोनों के पहले आएगा, countable और uncountable, तो इसकी विशेषता समझ गए ए और एन सिंगुलर है इनडेफिनिट आर्टिकल है काउंटेबल नाउन के पहले, द है सिंगुलर प्लूरल दोनों के पहले डेफिनिट आर्टिकल है और काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के पहले लगेगा। अब हम इसकी एक
समरी सारांश में बता दें कि जो आर्टिकल है ए एंड द, ए और ए का प्रयोग का से ज्ञा तक के बीच में जो ध्वनि होती है उसके पहले ए का प्रयोग होगा, आ से अह तक की जो ध्वनि होती है उसके पहले एन का प्रयोग होगा, द का प्रयोग वहां होगा जहां कोई खास चीज होगी, खास व्यक्ति हो सकता है, खास वस्तु हो सकती है, खास स्थान हो सकता है। ए और एन का प्रयोग सिंगुलर नाउन के पहले होगा, इसे हम इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं, और ये काउंटेबल नाउन के पहले भी प्रयोग होता है। तीन चीजें इसकी, ये द है इसका प्रयोग खास चीज के पहले होगा, ये सिंगुलर और प्लुरल सबके साथ होगा, डेफिनेट आर्टिकल है, और काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के पहले प्रयोग होगा। अब हम आपको दो होमवर्क दे रहे हैं, वो आपको करके और बताना है। एक शब्द है ये है, और दूसरा है तीसरा है यह है आर यू, ये तीन है, तीन में आपको आर्टिकल बताना है। तो इसके पहले सबसे पहला जो है बनाई मैन के पहले क्या लगाएंगे, यू इसरो में, वेरी गुड, ये लगेगा क्योंकि ये इसका उच्चारण हुआ है, ये का से क्या के बीच में आ रहा है, वेरी गुड, सिट डाउन। अब इसके पहले इस लाइन में भैया लोग, हाँ ए एन एन लगेगा भाई क्योंकि बैठिए, अब आपने इसका उच्चारण, इसका मतलब आपको नहीं, आप हॉनेस्ट पढ़ रहे हो, हॉनेस्ट हॉनेस्ट नहीं ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट आ है इसका उच्चारण, और ये आ से यहां तक है इसलिए एन लगेगा, और अब इसको तो पूछने की जरूरत नहीं है, आप बताइए पीछे ए, वेरी गुड, ये इंटर में आया था, इंटर में आया था, और लड़कों ने लिख दिया एन क्योंकि इसका उच्चारण क्या होगा, वाह। इस प्रकार से हम आज आर्टिकल के बारे में पढ़े, क्लियर हो गया, मैनी थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।